हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंट में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। और इसके लिए मैं यूज करूंगी ट्रू लव रीडिंग डेक को और देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपको एक छोटी सी बात भी शेयर करूंगी आफ्टर द रीडिंग, जिससे आप उससे पहले रीडिंग को अच्छे से सुन लें। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उस व्यक्ति के यानी कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। राइट साइड होगी आपके पार्टनर के दिल की एनर्जी एंड लेफ्ट साइड होगी आपके पार्टनर के दिमाग की एनर्जी। दिमाग की तरफ तीन कार्ड जाना चाह रहे थे, बॉटम से रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है, अमेजिंग, विद अबंडेंस, मतलब आपके पार्टनर जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंट में डील कर रहे हैं, ये आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं। आप इन्हें मनाएं, ये उदास हैं, आप इन्हें सामने से चीजें बोलें, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये उस एनर्जी में अभी दिख रहे हैं कि इन्हें आपको सुनना है, इन्हें आपकी बात माननी है, इन्हें आपसे हील होना है, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल में है मैनिफेस्टेशन विद यिन एंड यंग, ओ काफी हायर लेवल की एनर्जी है। आपके पार्टनर के दिल में है आपको लेकर बहुत सारी भावनाएं, अच्छा बुरा, हार्ट चक्रा हीलिंग, सैक्रल चक्रा हीलिंग, सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग, मतलब जो भी भावनात्मक तौर पर ये आपको लेकर सोच सकते हैं वो सब कुछ इनके दिल में चल रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी टेक्निक अप्लाई कर रहे हों। ये आपको बहुत ज्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी कनेक्शन है, जो भी बॉन्डिंग है, ये व्यक्ति इस वक्त आपको काफी मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये शांत जरूर हो सकते हैं लेकिन इनके दिल दिमाग में आप 24 घंटे घूम रहे हैं, ये आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। इनके इवन जो स्पिरिट गाइड्स या इनके स्पिरिट एनिमल्स हैं उनको भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान से। मदर नेचर की कॉलिंग इस टाइम पर काफी स्ट्रांग है, जो इनको गाइडेंस लगी है हर एक तरीके से कि ये हील हो, ये आपको सुने, ये आपको समझे, इस रिश्ते की गहराई को समझे। तो इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आपके पर्सन है, साथ ही साथ एनर्जी है यिन एंड यंग की। जय हो महादेव। एनर्जी है यिन एंड यंग की जो ये बता रही है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिसके भी दिल में आपको लेकर प्यार होगा ना वो समझौता करने के बारे में सोचेगा, जिसके मन में आपको लेकर 0% इमोशन है उसे आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसे फर्क पड़ रहा है इट मीन्स उसके दिल में आपको लेकर जगह है, ये इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां पर ऐसी वाइब्स है कि आपके पर्सन अगर पहले नेगेटिव रहे थे तो अब ये खुद ही शांति चाहते हैं आपके साथ में, अगर मैस्कुलिन रहे थे तो फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे हैं और हर उस तरीके से इस कनेक्शन को सोच रहे हैं कि कहां पे इन्होंने गड़बड़ की। बेसिकली खुद को बहुत ज्यादा ऐसा फील करा रहे हैं कि यार मेरी वजह से हुआ है ये जो भी हुआ है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे साथ में, मेरी मदद करने में, मुझे ऊपर उठाने में, लेकिन मैं ही था जो जानबूझकर उसको धोखा दिया या उसको अपने से दूर किया। ये एनर्जी आपके पर्सन की स्ट्रांग है, ये इस कनेक्शन में इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर तरीके से कि बस आप दोनों मिल जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो ये हो गई आपके पर्सन के दिल की एनर्जी, दिमाग की तरफ देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है दैट इज सेक्सुअलिटी एंड ज्वेलरी। वाह, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आपको सब कुछ समझ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो ये लकी होंगे, इन आपके जैसा व्यक्ति इन्हें इनके लाइफ में मिलेगा जो केयरिंग है, नर्चरिंग है, लॉयल है, कमिटेड पर्सन है।
जो इनको ही लेकर सोचता है जिसके लिए फ्लर्ट करना, चीटिंग करना, डबल डेटिंग करना गलत है। जो एकदम बोलते ना, नारियों में पतिव्रता धर्म वाली नारी और पुरुषों में पत्नी व्रत धर्म का पालन करने वाला पुरुष, इसको जिस तरीके से आप ले पाए, लेकिन वो जो वन मैन वुमन और वन वुमन मैन की जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर आपके अंदर फील करते हैं कि ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो आप सिर्फ इनके ही रहेंगे, इस चीज का इन्हें विश्वास हो गया है, ठीक है। ये आपको देखते हैं तो इनको पॉजिटिविटी फील होती है, ये अपने आप को लकी फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि यार मैं वाकई में डिजर्व करता हूं ऐसे इंसान को, मैंने तो उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, एंड ही और शी इज वेरी प्योर, उसे मेरे अलावा कोई चाहिए ही नहीं। तो इस लेवल पर ये इस वक्त दिमाग से भी सोच रहे हैं, ठीक है, या आपको एक प्योर डिवाइन सोल के रूप में कंसिडर कर पा रहे हैं। एनर्जी है सेक्सुअलिटी की, तो ये जब भी आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चैरिस्मेटिक है, ये हर तरीके से ऐसी एनर्जी में कि ये क्रेव करने लगते हैं आपको लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर, जिस भी तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं। इनके लिए मुश्किल होता है अपने आप को आपसे डिटैच करना, इसीलिए चोरी से आपको स्पाई भी करते हो, ऐसा पॉसिबल है। ये दिमाग से सोच रहे हैं कि आप इनको इमोशनली सेटिस्फाई कराएंगे, इनको सिर्फ नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल नीड्स, इमोशनल सपोर्ट आप देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका ऑरा उस तरीके का है, आपकी समझ उस तरीके की है, आपका थॉट प्रोसेस नॉर्मल लोगों के थॉट प्रोसेस से थोड़ा या बहुत या बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। ये आपकी अपनी वाइब्रेशन, लाइफ लेसन्स और एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लास्ट जो मैसेज है वो है ज्वेलरी का, चैरियट का, ये आपकी जिंदगी में वापस आने का सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है जो कमिंग टाइम फ्रेम के अंदर, अप्रॉक्स मुझे 43 दिख रहा है, 43 मिनट्स, 43 आवर्स के अंदर ये आपके पास वापस आ सकते हैं विद अ गिफ्ट, विद अ प्रपोजल, विद अ न्यू बिगिनिंग एश्योरिटी आप कह सकते हैं। बट ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, जो श्योरिटी इनको पहले नहीं थी वो दिल दिमाग से इनकी एनर्जी में अब बैलेंस आ गया है और ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन के दिल दिमाग की एनर्जी है करंट सिचुएशन में, ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बात बताऊंगी और वो बात मैं दूसरे चैनल पर भी बता सकती थी, लेकिन इस चैनल पे आप थोड़ा सा ज्यादा समझ पाएंगे। हुआ ये कि कल रात को 12:30-1 बजे मैं कॉफी का मग लेकर बैठी थी, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ना, लाइट वाले जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स वाली लाइट है, ये पहले तो नहीं लगाई थी, अब ये मंदिर वो है जो मुझे ड्रीम्स में गाइडेड हुआ था और मैंने उस चैनल पर बताया था कि मुझे गाइडेंस मिली है कि माँ को उनके स्थान से अलग किया गया है, तो इस मंदिर को पूरा रेनोवेट किया मैंने जैसे भी मैं कर सकती थी। इससे पहले ये गिफ्ट पेपर पे रैप था बट ये बहुत सॉलिड है, तो मुझे लगा कि यार गाइडेंस है क्या है, ठीक है, मैं इसको अपने सेकेंड चैनल पे स्थान दूंगी। उसके बाद कल मैंने जब ये लाइट्स लगाई तो जो हमारे पास उसको तोशीबा भी बोलते हैं, उसमें मल्टीपल प्लग्स लगा सकते हैं, बट मेरे पास जो था वो 3 प्लग का था, मतलब उसमें 3 तरीके की लाइट्स का वो प्लग लगा के, प्लग इन करके आप उसको लाइट कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने कल ये लाइट्स लगाई तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई कि यार इसका प्लग तो 4th हो गया, ये लग कैसे पाएगा, होगा या नहीं होगा ये, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने लगाई। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसमें से एक लाइट को, जो ये छोटी वाली लाइट है, इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने उसको खींचा ऊपर की तरफ बहुत आराम से, ये पहली बार हुआ मेरे साथ में, तो उसके वायर और लाइट अलग अलग मेरे हाथ में आ गए और मुझे बहुत प्रैक्टिस नहीं है कि उसके कनेक्शन को उससे जोड़ के उसको कर दो, पड़ा है जीनर डायोड पीएन जंक्शन क्या होता है फिजिक्स में, लेकिन अब मेरा उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तो क्योंकि काफी टाइम हो गया, अप्रॉक्स 9-10 ईयर्स हो गए होंगे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो प्लग निकल गया, हुआ तो मुझे हिट किया, ऐसा कैसे कि एक लाइट जलाने के चक्कर में दूसरा खराब हो गया, अब ये हटाना पड़ेगा क्या,
लेकिन अंदर से क्या है कि यार ये वायर्स को जरा एक साथ ही इसी प्लग के अंदर घुसा के ना कनेक्ट करके देखती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर नहीं जलेगा और मुझे चारों जलाने होंगे तो मैं फिर दूसरा लेकर आऊंगी और उसमें उसको लाइट करके तब मैं इसको शुरू करूंगी। तो ये चीज हुई कि मैंने जैसे उसको उसमें फिट किया, प्लग के अंदर लगा के छोटे छोटे वायर्स को आपस में कनेक्ट करके इंस्टेंट बिल्कुल रैंडमली सारे के सारे जल गए। मैं इतनी हैरान थी कि शायद वो इसलिए खींचा गया था या प्लग एकदम बाहर निकल गया, स्ट्रांग होते हैं इतने कमजोर नहीं होते हैं कि एकदम से उखड़ना कि ले तेरे लिए ये जगह हम बनाते हैं इसमें कि तू इसी में लगा सब कुछ, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मुझे काफी स्ट्रेंज लगी कि ये ऐसे कैसे हो गया। ऐसे ही कृष्णा जी की बांसुरी, दूसरे चैनल पे मैंने उनको आईब्रो ब्रश, आईब्रो पेंसिल में ब्रश आता है उसके साथ वो फ्लूट के जगह पे रख दिया कि शिफ्टिंग के टाइम पे खो गया था। तो मैं जब भी चलती हूँ या कोई भी चीज उठाती चलती हूँ ना या रखती हूँ, अक्सर मैं भूल जाती हूँ, और शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। अब क्या हुआ कि मेरे अपने जो मेरा टेम्पल है, मैं यहाँ पे पूजा जप करती हूँ, तो उसके अंदर वो शायद बांसुरी थी, मुझे पता भी नहीं था, मैं मस्ती में बस वो लगा दिया। जब इनको लगा कि अब ये इसे कोई गौर नहीं है, मेरा बांसुरी नहीं देगी लाके मुझे, तो मैं ऐसे ही मंदिर को साफ कर रही थी या क्या था, खड़े खड़े अंदर जैसे हाथ डाला तो वो तस्वीर जैसे नीचे की तरफ गिरी, तो उससे निकली पहले भगवान शिव की माला और माला के साथ निकली बांसुरी। मतलब माला नहीं गिरती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि बांसुरी मैंने यहां पे रखी और उस चीज को 7-8 दिन खो गए थे। तब मुझे हिट हुआ कि यार ये सब क्या करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। कभी भी लाइट के कनेक्शंस छेड़ती हूं तो कान्हा जी का जो हाथ है वो ये लाइट्स को ऐसे पकड़ के कि वो खींचेगा तो टूटेगा, और मैं खींच रही हूं बस इधर उधर देख के कि जल्दी जल्दी करना है, सब रैपअप करना है, वो तुरंत उसको रोकेंगे कि रुक जा, बात का आ रही है, रुको अभी। तब मुझे दोबारा देखूंगी कि यार ये रोक कौन रहा है। तब देखा कि अरे यार ये टूट जाएगा, इस तरीके से नहीं, यहां से फंसा हुआ है, इसको लूज करो उसके बाद हटाना है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखते हैं काफी ज्यादा। सो गाइज, ये थी रीडिंग, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।